ऑल इंडिया हीरो फुटबॉल टूर्नामेंट के सेकंड सेमीफाइनल में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। तो वहीं टूर्नामेंट में यहां पर संबोधित करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया है। तो वहीं जायसवाल जी का भी यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। बालाघाट के स्टेडियम में यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ जिले भर के लोग शामिल हो रहे हैं। तो वहीं देश भर के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं और अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री का आत्मीय स्वागत किया है। वहीं इस कार्यक्रम में अगर देखा जाए तो जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य, बालाघाट SP अभिषेक तिवारी और ईगल क्लब के अध्यक्ष संजय सिंह के अलावा नगर कांग्रेस अध्यक्ष विक्की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद जी विसेन सहित अनेक गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभी ये टूर्नामेंट अपने चरम पर है। आज दो क्वार्टर फाइनल मैच खेले जा रहे हैं MP पुलिस भोपाल एवं देहरादून के बीच में। फाइनल मैच परसों 14 तारीख को खेला जाएगा। बालाघाट जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए संजीव पत्रकार संघ के अनेकों वर्षों से प्रयासरत है। पुलिस बस क्लब बालाघाट एवं संजीव पत्रकार संघ के बारे हमारा शानदार 15वां वर्ष चल रहा है। हम चाहते हैं कि बालाघाट जिले का फुटबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, इसलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं। इसमें कहाँ कहाँ की टीमें आई हैं? देखिए, इसमें 6 राज्यों की लगभग 20 से 22 टीमें आई हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, पंजाब, हरियाणा, UP, ऐसे विभिन्न प्रांतों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसका फाइनल मैच कब खेला जाएगा? फाइनल मैच 14 तारीख को खेला जाएगा मुल्ला स्टेडियम में दोपहर 1 बजे।